राइटिंग पर्पज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट वेन यू स्टार्ट राइटिंग योर थीसिस यू थिंक वेरी क्लियरली अबाउट द पर्पज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर सो एज यू विल रियलाइज के हर चैप्टर का अपना एक फंक्शन होता है और हर चैप्टर का इसी वजह से राइटिंग का भी एक पर्पज होता है सो वॉट एवर द फंक्शन ऑफ दैट चैप्टर इज दैट विल बिकम योअर पर्पज फॉर राइटिंग In any case, there is also some sort of writing that you do it for yourself. And this is done almost uh, on a daily basis. But usually, we do it when data analyze data. And that is when you are writing to learn. So, purpose is that I have to what or I have what I And what are the key points that I must keep in mind? एंड विच आर शॉर्ट ऑफ लाइक कमिंग टू मी इंट्यूटिवली जो भी आपके जहन में ख्याल आ रहा होता है किसी डेटा को इंटरप्रेट करते हुए तो हम उसको एक साइड पे लिख लेते हैं इनको हम मेमोज uh, के नाम से भी uh, कहते हैं कि इनको मेमोस भी कहते हैं और ये आप अपना साथ साथ जैसे जैसे इंटरव्यूज आप देख रहे होते हो ट्रांसक्रिप्ट देख रहे होते हो तो हम साथ साथ अपने नोट्स ले रहे होते हैं सो इसशली द पर्पज फॉर देट काइंड ऑफ राइटिंग इज टू लर्न Then you can you also write to explore your research topic. So, when does this purpose come in? This purpose comes in when you're writing your literature review. You try to explore what is the research done, well, who has done this research, what is context this research, or what main scholars who have topic? और यहां आपका फोकस ये होता है कि आप एक्सप्लोर करें सो दैट इज योर पर्पस एंड यू वांट टू टेक योर एग्जामिनर आल्सो ऑन दिस जर्नी तो आप उसके लिए भी प्रेजेंट uh, कर रहे होते हो देन यू राइट टू रिपोर्ट सो यू राइट टू रिपोर्ट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर मेथडोलोजी आपने किस तरह से डेटा कलेक्ट किया किस तरह से उसका एनालिसिस किया किस तरह से उसकी फाइंडिंग्स uh, निकाली और आप इसलिए भी लिखते हो कि uh, जो चैप्टर्स होता है आपका फाइंडिंग्स का फिर आप उसमें भी रिपोर्ट करते हो दैट इज योर द पर्पज ऑफ द राइटिंग बिकम्स टू एक्सप्लोर थीम्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर एंड देन यू ऑल्सो राइट टू परसुएट एंड दिस है ऑलमोस्ट इन ऑल द चैप्टर्स क्योंकि जब आप लिटरेचर रिव्यू में गैप को आइडेंटिफाई करते हो तब भी आप परसुएड करने की कोशिश करते हो कि जो रिसर्च मैं कर रही हूं या कर रहा हूं वो इम्पॉर्टेंट है जब आप मेथडोलोजी अपनी इंट्रोड्यूस करते हो तो आप बताना चाहते हो कि ये जो रिसर्च मेथड्स मैंने यूज किए हैं वो ज्यादा यूजफुल थे और इस वजह ये भी परसुएड आप करना चाहते हो एंड देन जो फाइंडिंग्स आपने बताई आप उसकी एविडेंस देते हो और फाइंडिंग देते हो यू वॉन्ट टू डेफिनेटली परसुएड कि ये ताकि पढ़ने वाला भी उसी नतीजे पे पहुंचे जिस नतीजे पे आप पहुंच रहे एंड देन ऑफ़ कोर्स यू यूड इन डिस्कशन व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रॉड थीम्स दैट हैव कम फ्रॉम देयर सो हर चैप्टर का एक से ज्यादा पर्पस बी हो सकता है लेकिन uh, ये भी हो सकता है कि एक पर्पस मेन हो और दूसरा उसके सबसरविट हो यानी उसके नीचे आ रहा हो सो वेन एवर यू राइटिंग अ थीसिस और बिगिनिंग टू राइट अ चैप्टर थिंक अबाउट के इसका फंक्शन क्या है और मेरे लिखने का मकसद क्या है सो देट यू वेन यू रीड थ्रू वॉट यू हैव रिटन यू कैन एवेल्यूएट इट अकॉर्डिंगली